अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो सुनाए दोस्तों, कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ब्लॉगर पे मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, और हम ब्लॉगर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ एक्सप्लेन करें ब्लॉगर में क्या क्या, हम ब्लॉगर में कैसे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने एक पोइट्री वेबसाइट जो कि बना रहे थे, हमने उसी के ऊपर आप काम शुरू किया हुआ है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आपने वो वाली वेबसाइट नहीं देखी तो आपने यहाँ पे सर्च करना, यहाँ पे देखें वो ऑलरेडी मेरी सर्च की हुई है यहाँ पे। तो ये वाली वेबसाइट हम पीछे वाली वीडियोस में बना चुके हैं, तो इसके बारे में मैं मुकम्मल डिटेल से वीडियोस बना चुका हूँ कि हम इस तरह की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं, मतलब इस वीडियो को आप पहली दफ़ा देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो आप अगर इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे ये देख सकते हैं, हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल वेबसाइट एंड ब्लॉगर, एक इस वेबसाइट को आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आज हम कौन सा काम करने वाले हैं? तो आज हम अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स में ऐड करने वाले हैं। तो एक्चुअली में यार, गूगल एनालिटिक्स है क्या? गूगल एनालिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब आपको पता चल सकता है कि मतलब इस वक्त आपकी वेबसाइट के कौन से पेजेस रैंकिंग हैं, कौन सी पोस्ट उसके ऊपर रैंकिंग है, जो वाले आपने टैग वगैरह लगाए हुए हैं उनमें से कौन से टैग कितने रैंक हो रहे हैं, तो वो सारा डेटा आपको वहाँ पे बता देते हैं। फिर उसके हिसाब से आपको SEO करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, मतलब कि आपको पता चल जाता है कि हमारे कौन से टैग रैंक हो रहे हैं, हमारी किस तरह की पोस्ट रैंक हो रही है, तो आप उसके हिसाब से फिर कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। तो जिसके जरिए आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं गूगल एनालिटिक्स के ऊपर, हमने कैसे मतलब वहाँ पर अपनी वेबसाइट को ऐड करना है। तो आपने अपने ब्लॉगर में आ जाना है, और यहाँ पे आपने आ जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे नीचे आए तो अदर सेटिंग में, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, ये देखें, एनालिटिक्स वेब प्रॉपर्टी ID। आपको यहाँ पे अब क्या डालना है, ऊपर लिखा हुआ है गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। आपने जाके गूगल में सर्च करना है गूगल एनालिटिक्स, तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी इस तरह की, ठीक है। फर्स्ट वाला लिंक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फर्स्ट लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप आ जाएगी कुछ इस तरह के इंटरफेस के ऊपर। इस इंटरफेस के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ईमेल के जरिए साइन इन कर लेना। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन करके रखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, सेटअप फॉर फ्री के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप मोबाइल में भी हैं तो कोई बात नहीं, मोबाइल में भी आपने डेस्कटॉप साइट पे इसके गूगल क्रोम में जाके कर लेना है, तो बिल्कुल इसी तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, तो अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आपने अकाउंट का नेम लिखना है, ठीक है। तो मैं अपने अकाउंट का नेम यहाँ पे अपना नाम ही दे देता हूँ। एंड उसके बाद ये वाले जो चेक लगे हुए हैं, ये इसी तरह चेक लगे रहे हैं, आपने इनको अनचेक नहीं करना। एंड उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, तो उसके बाद क्या है जी, ये देखिए हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है अकाउंट सेटअप का। इसको अब दोबारा अगर आपको कोई चीज़ याद आ गई है और आप सोच रहे हैं कि हमने वो चीज़ गलत डाल दी है, तो हमने दोबारा से डाले, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट है या आपका कोई एंड्रॉयड ऐप है, या मतलब iOS आईफोन वाला ऐप है, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट है जी, वेबसाइट के ऊपर आपने इसको चेक ही रहने देना है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आके इसको नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट के ऊपर अब हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे दो स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके सामने भी एडिट वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको फिर भी कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उर्दू पोइट्री, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने उसका नाम लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे उसका URL डालना है। अब यहाँ पे आपने देख लेना है URL, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इधर से, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। और ये देख ले HTTPS है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें कौन सा दे रहा है, HTTP, तो आपने इसको चेंज कर लेना है। यहाँ से HTTPS के ऊपर चेंज करने के बाद आपने यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट करना है। एंड यहाँ पे देखें HTTPS ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपने WW से स्टार्ट करना है, एंड उसके आगे आपने नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री कैटेगरी है कि आपकी जो वेबसाइट है, जो ब्लॉग है, मतलब ये आपका कैटेगरी किस कैटेगरी में आता है, तो आपने यहाँ से देख लेना है। जिसके रिलेटेड भी आपका ब्लॉग है, जो वेबसाइट है, आपने उसी के रिलेटेड ही कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो उसके रिलेटेड जैसे आप कैटेगरी इसके बाद सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं यहाँ से कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मेरे ब्लॉग के मुताबिक हुई, क्योंकि मेरा जो ब्लॉग है तो वो है जी पोइट्री के रिलेटेड। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो हम पीपल्स एंड सोसाइटीज को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको यहाँ पे, मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर सर्च कर लेते हैं, और ये देखिए हमारा टाइम ऑटोमेटिक पाकिस्तान का आ चुका है। उसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर आप देखें फिर आपको यूनाइटेड किंगडम ये दिखा रहा है, आपने इसके ऊपर फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना है पाकिस्तान, तो दोबारा से मैं लिखता हूँ PAK, तो यहाँ पे पाकिस्तान आ चुका है। आपने इसके ऊपर चेक लगा देना है,
इसको आप रीड करें या ना करें, वैसे ये तो कहते हैं रीड करें लेकिन करता कोई नहीं है, तो आपने बस इसको आप चेक करें तो ठीक है, ना कभी करें तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर भी आपने चेक लगा देना है एंड आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी देखिए थोड़ी सी लोडिंग हुई है, उसके बाद ये देखें सक्सेस का ऑप्शन आ चुका है कि हमारे जो वेबसाइट है वो गूगल एनालिटिक्स में ऐड हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, इसके ऊपर मैं इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या है जी, इसके ऊपर मैं नो थैंक्स कर देता हूँ। ये हमारी है ट्रैकिंग आईडी, ठीक है। इसके जरिए ये हमने अपने ब्लॉग में लगानी है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लॉग का डेटा है वो हमें यहाँ पे शो कर गया। तो इस आईडी को मैं इधर से कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एंड जाना है आपने अपने ब्लॉग में, और सेटिंग में जाने के बाद, अदर में जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा गूगल एनालिटिक्स आईडी का ऑप्शन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको पुट करके एंड यहाँ पे सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। ये हो गया सेटिंग, वे आर सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेटिंग सेव हो चुकी है, अब हमने क्या करना है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे यहाँ पे सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इसका HTML कोड लगाना चाहते हैं तो ये HTML कोड भी आपको दे देते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। मतलब अगर आप वर्डप्रेस में यूज़ कर रहे हैं तो वर्डप्रेस में आपको ये दे देगा, उसमें प्लगइन यूज़ करते हैं जिसमें मतलब कि हमें लगाना पड़ता है HTML एंड जावास्क्रिप्ट कोड, तो वो हम इधर से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये हमारा ये हो गया ओके, और हमारी जो वेबसाइट है वो अब यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अगर आप कोई और यहाँ पे वेबसाइट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने सेटिंग वाला जो ऑप्शन है एडमिन वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है अगर आप यहाँ पे दूसरी एक वेबसाइट ऐड करना चाहते हैं अपनी, तो ठीक है। आपने यहाँ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपने एक मतलब कि आप अगर आप यहाँ पे एक न्यू ऐड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो दोबारा से सेम इंटरफेस जिस तरह से हम अभी साइन अप करके गए हैं, मतलब हमने पहले एक अकाउंट क्रिएट किया है, उसी तरह का ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, और बैक आने के बाद अब यहाँ पे ये देखिए इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आप कौन सी वेबसाइट का डेटा यहाँ से देखना चाह रहे हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर एक ही वेबसाइट ऐड की है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इसके ऊपर। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ उर्दू पोइट्री आ गया, उर्दू पोइट्री के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मुझे बता रहा है ओपन। तो ओपन मैं इसको कर देता हूँ, तो यहाँ से ये ओपन नहीं हुआ सॉरी। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे होम के ऊपर, ये हम होम के ऊपर आ चुके हैं, और ये हमारी वेबसाइट का यहाँ पे हमें डेटा शो कर रहा है, ठीक है। जो भी हमारा एक्टिव यूजर होगा वो हमें यहाँ पे शो करवाएगा। अब मैंने तो इसको खुद ही वेबसाइट को लोड किया हुआ है, तो इसलिए ये मुझे मतलब कि शो नहीं करवा रहा, क्योंकि अगर मैं इसको खुद ना देखूँ तो फिर हमें ये यहाँ पे शो करवाएगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई यूजर है। ये देखिए अभी उसने मुझे शो करवा दिया, क्योंकि वो एक्चुअल में एक्टिवेट होने में भी थोड़ा सा मतलब उसको टाइम लग सकता है, 1 से 2 मिनट। तो अभी आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि आपका एक यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्टिवेट है, एंड यहाँ पे आपको वो और भी इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वो नहीं दे रहा, क्योंकि अभी हमने इसको वहाँ पे पुट किया है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, एंड बाद में सब कुछ ये सही हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ये बताएगा कौन सा यूज़र कहाँ से एक्टिव है और वो किस पोस्ट के ऊपर है और वो आया कहाँ से है, तो वो सब कुछ आपको ये यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ से किसी पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाली पोस्ट है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने ओपन कर लिया एंड यहाँ पे अब मैं आ जाता हूँ, तो अभी शायद ये मुझे पोस्ट वगैरह कोई शो करवा दे कि पोस्ट के ऊपर, ये देखें ये वाला यहाँ पे मुझे पोस्ट शो करवा रहा है कि इस पोस्ट के ऊपर आपका एक यूज़र आया हुआ है। ये देखें ये वाली आप पोस्ट देख सकते हैं, क्योंकि ये वाली पोस्ट यहाँ पे ऊपर भी ओपन है, ठीक है। और यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका एक एक्टिव यूजर है और वो इस पोस्ट के ऊपर है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से बताता है कि मतलब आपके ब्लॉग में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो आप फिर देखते हैं कि हमारे ब्लॉग में मतलब कि इस टैग या इस पोस्ट की मदद से ज्यादा ट्राफिक आ रहा है, तो आप फिर उसके रिलेटेड ही पोस्ट लिखें, उसी के रिलेटेड ही टैग्स डालें, तो जिसकी वजह से आपकी ब्लॉग की जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज होगी, और इससे होगा क्या कि आपको एडसेंस अप्रूवल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इतनी सी सेटिंग थी, इससे ज़्यादा कुछ सेटिंग नहीं है इसमें तो, और बाकी भी ब्लॉग में भी बहुत कुछ रहता है, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे अगली वीडियोस में। तो तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अगर वीडियो यार अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए तो उसको बेल के आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जो मेरी वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।